देख रहे हैं दोस्तों, आज ये मैंने बनाया है बहुत ही हेल्दी नाश्ता, जो कि है मेरा लेफ्ट ओवर वेजिटेबल राइस के साथ में स्टफ़ विथ चीज़ मशरूम एंड ऑनियंस, और उसके ऊपर में कोटिंग दी है मैंने। किस चीज़ की ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने इसको पौष्टिक बनाया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऊपर से जाएंगे मेरे ये थोड़े से सोते मशरूम एंड ऑनियंस, ये देखिए। और साथ में इसके आप चाय लीजिए, कोल्ड कॉफ़ी लीजिए, कोल्ड ड्रिंक लीजिए, जूस लीजिए, टोटली आपके ऊपर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज इसी की रेसिपी। ये मेरे लेफ्ट ओवर सारे लेफ्ट ओवर सामान से मैंने ये पौष्टिक नाश्ता कैसे बनाया, तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं शेफ राजेश, देसी शेफ लिटिल किचन से। तो दोस्तों, कौन सा घर ऐसा नहीं है जिसमें कुछ ना कुछ खाने के बाद में लगभग कभी कभी कुछ ना कुछ तो बच ही जाता है ना। तो जैसे ये मेरे पास आज ये राइस बचे हैं, इसके साथ में ये मैंने एक सैंडविच स्टफिंग बनाई थी, और साथ में आज ये मैंने ये आलू साउथ इंडियन स्टाइल बनाए थे, और ये थोड़ी सी मेरी दाल बची है। तो इन सबको मिलाते हुए मैं आज एक स्नैक एपेटाइज़र बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो इसको मैं आपके साथ आज शेयर भी क्यों ना करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गए ये मेरे चावल, जो कि एक बाइंडिंग एजेंट का काम तो करेंगे, और साथ में गए ये मेरे आलू। दोस्तों, दाल थोड़ी सी पतली है, तो मैं इसको थोड़ा सा इसके अंदर में चावल काटा डाल के इसको थोड़ा सा एक तरह का माइनर सा डो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो इसके लिए लूँगा मैं ये थोड़ा सा राइस फ्लोर, ये मैं ज़्यादा नहीं डालूँगा। मैं इसके अंदर में ये 2 टेबलस्पून के लगभग मैंने इसमें राइस फ्लोर डाल दिया, और अब इन दोनों को मैं झटपट ही मिला दूँगा ताकि एक इनकी डो फॉर्म हो जाए, आपस में ये दोनों घुल मिल भी जाएं। और ये देखिए, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता दोस्तों, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, ये देखिए, और इसका एक अच्छा सा डो फॉर्म हो जाएगा, ये देखिए। तो लीजिए, ये मेरा झटपट ही एक डो बन गया है, जो मैंने दाल और चावल को मिला के बनाया। और दोस्तों, ये दाल को मैंने जिन मसालों के साथ बनाया था ना, अब वो मसाले उभर उभर के इसके साथ में दोबारा से पूरे किचन में महक फैला रहे हैं, ये देखिए। बस ये थोड़ी देर इसको मैं अब झटपटी ठंडा होने के लिए छोड़ देता हूँ, और तब तक शुरू करता हूँ अपना अगला स्टेप। लेट्स सी क्या बनता है आज। जब तक मेरा डो ठंडा हो रहा है, तब तक इन चावल और आलू को मैं आपस में मिला दूँगा, जैसे हम कि कोई स्टफिंग बना रहे हो, ये देखिए। इसको बोलते हैं ना आम के आम गुठलियों के दाम। और अब जरा सी चीज़ से ही देखिए इसके साथ में कितना ही शानदार एपेटाइज़र बन जाएगा। और अभी तो इसमें चीज़ मशरूम और इनकी स्टफिंग भी जानी है, ये देखिए। तो लीजिए, ये मेरा चावल और आलू का डो तो बन गया ना, अब मैं देखता हूँ मेरे दाल का जो मैंने डो बनाया था चावल के आटे के साथ में, उसका क्या सीन है। चावल और दाल का डो भी मैं इसे में मिला दूंगा, और देखिए वैसे दाल मिलाता तो कितना और सामान मिलाना पड़ता। ये चावल के आटे का जो हैक है ना, ये बड़े काम की चीज़ है। और बस अब इनको आपस में मिला देना है, सीजनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लीजिए, ये मेरा डो एकदम तैयार, और इसको बहुत देर रखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये देखिए। बस अब इसके मैं छोटे छोटे बॉल्स काट लूँगा, और इसके बीच में मैं स्टफ़ करूँगा अपने मशरूम चीज़ एंड ऑनियन। और अब इसके बने मेरे 6 बॉल, यानी कि अगर मैं पर पर्सन 2 भी डालूँ तो मेरे 3 लोगों के लिए ये एक रेडीमेड नाश्ता एकदम तैयार। तो बस अब इसमें थोड़े थोड़े मशरूम चीज़ एंड ऑनियन की स्टफिंग, और बस इसको जैसे हम कचौड़ी बंद करते हैं वैसे हम
इसको सबको ऐसे ही रोल कर देंगे और बाहर से भी थोड़ा स्मूथ कर देंगे। तो लीजिए दोस्तों, ये मेरे चीज़ अनियन मशरूम स्टफ लेफ्ट ओवर राइस एंड वेजिटेबल एंड दाल के बॉल्स तैयार हैं। अब आप चाहे इसके कटलेट बनाइए, कबाब बनाइए, या इसका बोंडा बनाइए, या बड़ा पाव बनाइए, अब आपके हाथ में है कि आप इसके साथ में क्या करना चाहते हैं। फ़िलहाल तो मैं इनको इसी तरह फ्राई करूँगा या शैलो फ्राई करूँगा। अभी मुझे भी नहीं पता कि मैंने ये क्या बना दिया। ये पहली टाइम मैंने एक्सपेरिमेंट किया है इन सब चीज़ों के साथ जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो चलिए अब मैं इसको कोशिश करके इसको मैं और पौष्टिक बनाने की तैयारी करता हूँ। कैसे, बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, ब्रेड क्रम तो आपने बहुत लगा लिया, चलिए आज कुछ और पौष्टिक हो जाए। तो ये मैंने मूसली और कॉर्नफ्लेक्स ले लिए हैं। इसको मैं हल्का सा क्रश कर लूँगा और इनको मैं एज ए कोटिंग के लिए यूज़ करूँगा एज ए ब्रेड क्रम। तो चलिए इसको झटपट क्रश करते हैं। तो लीजिए ये तैयार, और अब झटपट बनाते हैं थोड़ी सी सलरी। ये देखिए, थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी, और ये मेरी स्लरी भी तैयार। क्योंकि मेरे पास सिर्फ 6 ही बॉल्स हैं इसके अंदर कोट करने के लिए, तो मैंने अकॉर्डिंगली उतना ही मैदा ले लिया जितनी कि मेरे पूरा पड़ जाए। ये देखिए बस, और ये मेरी स्लरी भी तैयार हो गई। बस अब एक एक ये मेरा जो लेफ्ट ओवर रोल है इसको अच्छे से स्लरी में इसको रोल कीजिए, ताकि सारा का सारा जो ये मैंने कोटिंग बनाई है ये इसके ऊपर में अच्छे से चिपक जाए। ये देखिए, और इसका दूसरा फ़ायदा, ये जो मैंने इसमें कोटिंग करी है इसकी मूसली और कॉर्नफ्लेक्स की, ये भी मेरे कटलेट के मॉइस्चर को थोड़ा सा और अच्छे से एब्जॉर्ब कर जाएगा। तो झटपट मैं इन्हें सबको ऐसे ही फटाफट कोट करके मिलता हूँ। बस मैं यूँ गया और यूँ आया। तो लीजिए दोस्तों, देखते देखते फ्रॉम नोवेयर टू समवेयर मैं पहुँच ही गया। तो लीजिए दोस्तों, बातें बातों में ये मेरे लेफ्ट ओवर से स्टफ्ड चीज़ मशरूम ऑनियन वाले मेरे कटलेट, पैटी, बर्गर, बड़ा पाव, जो मर्जी समझ लीजिए, गोंडा समझ लीजिए। अब आप इसको शैलो फ्राई कीजिए, डीप फ्राई कीजिए, या एयर फ्राई कीजिए, या फिर आप इसको ओवन में थोड़ा सा ब्रशिंग करके रोस्ट भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अंदर चीज़ टफ है। और दोस्तों, मैंने तो इसके ऊपर में अभी ब्रेड क्रम की जगह पर मूसली और कॉर्नफ्लेक्स लगाया। अगर आपके पास मूसली और कॉर्नफ्लेक्स नहीं है तो ब्रेड क्रम लगाइए, नहीं तो आपके पास अगर भुनी सेवियाँ हो पतली वाली, आप उनको भी क्रश करके इसके ऊपर लगा सकते हैं इसकी कोटिंग के लिए, ताकि ये डबल सिक्योर हो जाए। तो बस अब इनको मैं 15 से 20 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ दूंगा, और फिर इसके बाद में मिलता हूँ आपके साथ में इसके फाइनल एग्जीक्यूशन में। तो बस थोड़ा सा इंतज़ार, बस मैं यूँ गया और यूँ आया। और दोस्तों, अगर आपको अभी नहीं बनानी है ना, तो आप इसको किसी भी कंटेनर में इसको रख के कवर करके रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए, और जब दिल करें तब बनाइए। तो बस ये एक और आइडिया था मेरा जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बस कवर प्रॉपरली एंड कीप इन द फ्रिज, नॉट इन फ्रीजर। दोस्तों, ये मैं ऑलमोस्ट 2 दिन बाद बना रहा हूँ। जिस दिन मैंने शूट किया था उसके 2 दिन बाद इसको मैंने ऐसे ही फ्रिज में बना के रख दिया था, और ये देखिए बिल्कुल ही फर्स्ट क्लास और वैसे ही इंटैक्ट है। राधर मूसली और कॉर्नफ्लेक्स ने इसको और अच्छे से बॉडी दे दी है। और अब इसके साथ में मैं सौते करूँगा थोड़े से मशरूम एंड ऑनियन ऊपर से, और थोड़ा सा ब्रेस करके इसके ऊपर में एक टॉपिंग देने के लिए। तो चलिए अब फटाफट झटपट पैन पे चलते हैं। थोड़ा सा मशरूम इसको लिया, आधा किया, और बहुत बारीक नहीं काटना है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये तो मेरे ऊपर से टॉस करके इसके ऊपर में गार्निश के काम आएंगे, और नेचुरल टेस्ट और फ्लेवर तो अपना एंटरटेन करेंगे ही करेंगे। पैन में मैंने ये थोड़ा सा ऑयल ले लिया, आप ऑलिव ऑयल, बटर, जो मर्जी ले लीजिए। अगर बटर लें तो आधा तेल
ऑलिव रिफाइंड और आधा बटर लीजिएगा, नहीं तो बटर जल जाएगा। तो बस अब इसके अंदर में आई स्टार्ट मेकिंग माई स्टेक्स। ये गए मेरे स्टेक में, तो लीजिए ये गए मेरे स्टेक। अब इनको मैं हल्का सा इनको पैन ग्रिल कर लूँगा, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, बिल्कुल शैलो फ्राई करना है। और हीट जो है ना इसकी फ्लेम, ये आपने हाई नहीं करनी है, हमने मीडियम हाई रखनी है ताकि अंदर जो मशरूम और चीज़ है वो भी प्रॉपरली हीट अप हो जाए, गर्म हो जाए। ये देखिए, बस इसी तरह इनको उलटते पलटते हम दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे अपना गोल्डन कलर आने तक। ये देखिए, यानी कॉर्नफ्लेक्स और मूसली और अंदर की जितनी भी स्टफिंग है उससे ये हेल्दी तो हुए ही हुए हैं और क्रंची भी हुए और मेरा लेफ्ट ओवर भी यूज़ हो गया। लीजिए दोस्तों, ये मेरा स्टेक फर्स्ट क्लास गोल्डन हो गया। अब हम इसकी नेक्स्ट प्रोसेस की तैयारी करते हैं। पैन में लेंगे दोस्तों थोड़ा सा ये अपना चिली गार्लिक ऑयल, जो मैं ऑलरेडी आपके साथ रेसिपी शेयर कर चुका हूँ, और उसी पैन के अंदर में अब हम अपनी ये दोनों वेजिटेबल्स भी सौते कर लेंगे, यानी ऑनियन एंड मशरूम, ये दोनों एक साथ और एक क्विक टॉस। बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस हल्का सा ही टॉस करना है इनको, और बस थोड़ा सा सॉल्ट। वैसे तो चिली गार्लिक ऑयल में सॉल्ट गया हुआ है मेरा, पर देखते हैं ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूर डालेंगे। हल्का सा नमक और बस ये मेरे मशरूम ऑनियन सौते हो गए। बस इसके ऊपर डाल दीजिए, चाहे आप साइड पे डाल दीजिए, जैसा आपका दिल करे। ये देखिए, और इसके साथ गई ये मेरी डिप। तो लीजिए एक बार इसको काट के भी देखते हैं कि ये कैसा बना है। ये देखिए कितनी ही शानदार स्टफिंग है ना इसके अंदर में, ये। और ये देखिए सारे मशरूम ऑनियन सब इसके अंदर में से बाहर से आके मुंह में जाने को तैयार। कितना ही शानदार है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलूँगा कल नई टिप नई ट्रिक नई रेसिपी के साथ में। तब तक आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ऑल्सो प्रेस द लाइक बटन फॉर माई मोटिवेशन एंड बेल आइकॉन फॉर माई वीडियोज नोटिफिकेशन। ऐसे ही खाते रहिए, पचाते रहिए, पैसे भी बचाते रहिए और मौज भी मनाते रहिए और खुश रहिए। आपका दिन शुभ हो। ये देखिए बन गया ना कितना शानदार।